हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के स्टॉक के बारे में। 19 जुलाई को हमने जो है वीडियो बनाया था, एग्जैक्टली स्टॉक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ से स्टॉक में बाउंस देखने को मिल सकता है, हमने बताया था, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। स्टॉक में काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला। आज के दिन में स्टॉक में लगभग 12% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल चुकी थी। आई बटन में लिंक दिखाई दे रही होगी, वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करिएगा। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर फिर से स्टॉक आ चुका है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, वन डे टाइम फ्रेम में हमने सेट कर लिया है। यहां पे आप देख सकते हो 1180 से लेके ऑलमोस्ट 12040 का एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस जोन था। मल्टीपल टाइम इसी लेवल से स्टॉक में हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रहे थे। फाइनली हमें यहां पे आज दिन में ब्रेकआउट देखने को मिला। इस ब्रेकआउट के चलते स्टॉक में काफी अच्छी तेजी अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, और साथ ही साथ में 52 वीक हाई को भी जो है आज के दिन में इसमें ब्रेक कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ब्रेकआउट होने के बाद में तेजी कहां तक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो 1500 से लेके 1550 का एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसका होने वाला है। और अगर दोस्तों यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, स्टॉक अगर फॉल भी करता है, तो जो पहले यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से सपोर्ट लेके इसमें इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ में MACD इंडिकेटर की। MACD इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। जीरो लाइन के ऊपर भी ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है स्टॉक में फर्दर अच्छी खासी तेजी अपसाइड में हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूँ टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं टिकरटेप वेबसाइट पे। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अपस्टॉक्स की। वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वन ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो 58.62% के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हाई देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट यहाँ पे बैड है, क्योंकि स्टॉक ओवर प्राइसड भी है, ओवरबॉट जोन में भी है। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है, स्टॉक में मॉडरेट नंबर्स ऑफ रेड फ्लैग हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देते हैं उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। अगर आप स्टॉक को पहले से ही बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही करना। लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है 1,26,948 CR का। स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कंपनी काम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। फोरकास्ट एंड रेटिंग में आप देख सकते हो वन एनालिस्ट जो है यहाँ पे 100% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि ठीक ठाक सलाह हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर तीन से ज़्यादा लोग यहाँ पे 100% बाइंग की सलाह देते तो काफ़ी अच्छी सलाह हम इसे कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, अगर हम इसके पीयर्स एंड कंपेरिजन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कल्पतरु प्रोजेक्ट साथ में और साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो है इसका कंपेरिजन होता है। और प्राइस कंपेरिजन में आप देख सकते हो अदानी जो है यहाँ पे एक ठीक एक अच्छा खासा मोमेंटम फिलहाल देते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसेंटली जो है काफ़ी अच्छा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।